नमस्ते दोस्तों, आज हम इरिदेमा मल्टीफॉर्मे के बारे में आपको बताएंगे। इरिदेमा मल्टीफॉर्मे क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इस वीडियो में आपको बताएंगे, और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है लास्ट में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। इरिदेमा मल्टीफॉर्मे जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, ये एक्चुअली स्किन का एक रैश है। ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये कोई सिंगल बीमारी नहीं है, ये बहुत सारा बीमारी का मैनिफेस्टेशन है। यानी बहुत सारा बीमारी में ये सेम चीज़ देखने को मिल सकता है। तो ये जो साइन है इसको टारगेट साइन बोलते हैं, और ये टिपिकल है ये इरिदेमा मल्टीफॉर्म डायग्नोसिस करने के लिए। अगर ऐसा साइन आप देखते हैं जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं ना, तो सेंटर में एक डस्की रेड यानी हल्का रेड कलर का स्पॉट रहता है सेंटर में, नहीं तो कभी कभी छोटा सा भेजा के लिए ब्लिस्टर रह सकता है, ये पानी भरा हुआ फुसका, और साइड में उसको सराउंड करके और एक रिंग रहता है जो थोड़ा सा पेल रहता है यानी हल्का कलर का रहता है, और लास्ट में जो सराउंडिंग एकदम लास्ट वाला जो रिंग होता है आउटर वाला रिंग होता है वो रेड कलर का एक रिंग रहता है। तो यहाँ पे जो तीन डिफरेंट रिंग मिलता है ना, तो इसको बोलते हैं टारगेट साइन। ये है टिपिकल इरिदा मल्टीफॉर्म के लिए, ये अगर है तो इरिदा मल्टीफॉर्म डायग्नोसिस आप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका क्या रीजन है, ये प्रॉब्लम क्यों होता है, किस किस कंडीशन में दिखाया जा सकता है। फर्स्ट होता है हर्पिस इन्फेक्शन। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस होता है, ये वायरस के इन्फेक्शन की वजह से ऐसा देखने को मिल सकता है। 90% केसेस में इन्फेक्शन हर्पिस की वजह से ये होता है। और दूसरा कौन सा वायरस से ये हो सकता है, साइटोमेगाला वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एब्स्टेन बार वायरस, कोविड वायरस और ऑर्फ वायरस, ये वायरस का इन्फेक्शन से हो सकता है। कभी कभार बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद भी ऐसा होता है। एक होता है बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा निमोनी, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद भी इरिदेमा मल्टीफॉर्म पाया गया है। कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बाद भी ये मिलता है, जैसे कि एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन खाने के बाद ये हो सकता है। एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन होता है, एपिलेप्सी में यूज होने वाला दवाई इस फेनिटाइन, ये खाने के बाद भी हो सकता है। सल्फोनिल यूरियाज और सल्फोनामाइड जो मेडिसिन होता है उसके बाद भी हो सकता है। इरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के बाद भी ये सब प्रॉब्लम देखने को मिला है। जो पेन किलर यूज होता है एनएसआइड बोलते हैं उसको, ये इसके बाद भी ये देखा गया है। और बच्चे लोग में वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन लेने के बाद ऐसा प्रॉब्लम बहुत बार देखने को मिला है। और एक होता है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम में भी होता है, और चेस्ट एक्सरे, कोई एक्सरे करने के बाद भी ऐसा बहुत सारे लोगों में देखने को मिला है। ये इरिदेमा मल्टीफॉर्म में तीन टाइप का होता है, एक होता है एपिसोडिक यानी कभी कभार एक बार हो गया, और एक होता है रिकरेंट यानी बार बार होता है। कभी कभार वाला ये दवाई का साइड इफेक्ट से होता है, यानी ये कोई दवाई खा लिए आपका हो गया, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया हो गया। लेकिन हर्पिस जो इन्फेक्शन होता है जिसमें रिकरेंट यानी बार बार ये होता है, और एक होता है परसिस्टेंट यानी बहुत दिनों तक रहता है, दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं होता है। तो ये परसिस्टेंट जो इरिदेमा मल्टीफॉर्म होता है ये नॉर्मली अगर बॉडी में कोई कैंसर है तो उसके बाद में पाया गया है, जैसे कि आपका हॉस्किन लिम्फोमा, लिम्फोमा, लंग कैंसर, कोलन कैंसर, ऐसे कोई भी अंदर वाला कैंसर की वजह से भी हो सकता है। और एक होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसके बाद भी होता है। और एक लास्ट होता है इडियोपैथिक यानी जिसका कारण किसी को नहीं पता है, ऐसा बहुत सारा केसेस में देखा गया है, बिना कारण के भी ये हो सकता है। तो चलिए जानते हैं क्लिनिकल फीचर के बारे में, यानी क्या लक्षण होता है इस प्रॉब्लम में। जैसे पहले हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इरिदेमा मल्टीफॉर्म में आपका स्किन का रैशेस होता है जो टारगेट साइन जैसा दिखता है, टारगेट जैसे होता है वैसे वाला थ्री रिंग का स्ट्रक्चर रहता है। और ये रैशेस नॉर्मली एक्सटेंसर एस्पेक्ट यानी हाथ का ये जगह में और पाम और आपको सोल में, ये ज्यादातर साइड में होता है। और ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है यानी दोनों साइड में एक जैसा ही मिलता है। ये स्किन के अलावा आपका म्यूकस मेम्ब्रेन यानी मुंह के अंदर, जेनिटल रीजन यानी प्राइवेट पार्ट में, और आपके आंख को भी अफेक्ट कर सकता है। इरिदेमा मेजर और माइनर दो टाइप का होता है। इरिदेमा मल्टीफॉर्म में मेजर में आपका ज्यादातर म्यूकोस मेम्ब्रेन यानी आपका मुंह और आंख ये सब अफेक्ट रहता है, माइनर में आपका स्किन अफेक्ट रहता है। और एक होता है टिपिकल इरिदेमा मल्टीफॉर्म में, और एक होता है एटिपिकल। टिपिकल मतलब इसे हमने टारगेट साइन बोला है, वैसे अगर सारे रैसेस एक जैसा दिखता है तो इसको टिपिकल इरिदेमा मल्टीफॉर्म बोलते हैं। और एक होता है एटिपिकल जिसमें हर टाइप का रैसेस देखने को मिलता है। टारगेट साइन के साथ साथ आपका पापियुल यानी छोटा छोटा दाना, बड़ा सा प्लाक, कभी कभी बड़ा बड़ा वेसिकल यानी पानी वाला, पानी भरने वाला फुसका, ये सारे चीज भी रह सकता है, तो इसको एटिपिकल बोलते हैं। और ये एटिपिकल अगर होता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है, ये परसिस्टेंट होता है और इंटरनल कोई प्रॉब्लम है जिसे कैंसर, ये आप सोच सकते हैं।
स्किन को छोड़ के म्यूकस मेम्ब्रेन हमने बोला है, और साथ साथ कभी कभी आंख भी अफेक्ट होता है। तो आंख में अगर ये होता है तो विजन में देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस यानी रेड कलर का आईज हो सकता है, और कॉम्प्लिकेशन में परमानेंट विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है, यानी परमानेंटली आप देख नहीं सकते ऐसे अगर किसी का बार बार आंख में हो रहा है तो इसके वजह से अगर ऐसा किसी का हो रहा है तो इमिडिएटली स्किन के डॉक्टर के साथ साथ आपके एक बार आई का डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। तो ये स्किन के लीजन यानी स्किन का जो रैशेस होता ही तो है, इसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम और होता है, कभी कभार ये खुजली होता है, पेन होता है, और माइल्जिया यानी बॉडी पेन होता है, फीवर होता है, सूट थ्रोट होता है, हर्पीस में जैसे होता है, तो ये सारे सिम्टम्स भी पेशेंट का रह सकता है। तो चलिए जानते हैं डायग्नोसिस कैसे करते हैं इस बीमारी को। डायग्नोसिस पहले होता है हिस्ट्री से, यानी पेशेंट को पूछा जाता है आपने कोई दवाई लिया था कि नहीं रिसेंटली, और नहीं तो कोई सोर थ्रोट या कोई इन्फेक्शन हुआ था कि नहीं तो वो वैक्सीन लिया था कि नहीं। तो ये जो हमने कॉजेस से रीजन बोला है किस किस वजह से होता है, ये सारे हिस्ट्री में पूछा जाता है, और इसके साथ क्लिनिकल फाइंडिंग यानी देखने में जैसे आप फोटो में देख रहे हैं ऐसे एग्जैक्टली अगर रैशेस है तो आप भी डायग्नोसिस कर सकते हैं, ये दमा मल्टीफॉर्म है। तो इसके साथ साथ और भी कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट होता है, इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, जैसे कि आपका CBC होता है, LFT होता है, यानी लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सारे किया जाता है, चेस्ट एक्सरे करके देखा जाता है कि अंदर में इन्फेक्शन है कि नहीं। और फिर भी लास्ट में अगर कभी डाउट होता है, अगर दूसरा कोई बीमारी के साथ आपका कंफ्यूजन होता है तो उस केसेस में स्किन बायोप्सी किया जाता है। स्किन बायोप्सी के साथ साथ DIF यानी डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट भी करके इसको कंफर्म किया जाता है, नहीं तो एक्सक्लूड किया जाता है कि दूसरा कोई बीमारी है कि नहीं। तो चलिए जानते हैं और क्या क्या बीमारी है जो देखने में एक जैसा लग सकता है। फर्स्ट होता है अर्टिकरिया, ये जो बांग्ला में आम बात बोलते हैं, पित्ती बोलते हैं हिंदी में, ये भी कभी कभार ऐसा एरिथ्रोमा मल्टीफॉर्म के साथ कंफ्यूजन हो सकता है, जिसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं आई बटन क्लिक करके। और एक होता है वायरल एक्जेंथेम, यानी कोई वायरल इन्फेक्शन यानी फीवर बुखार होने के बाद बॉडी में छोटा मोटा रैश निकलता है, वो भी कंफ्यूज कर सकता है। और एक होता है स्टीवन जेंसन सिंड्रोम, जो दवाई के साइड इफेक्ट से होता है। और होता है फिक्स्ड टर्म इरप्शन, इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है। और एक होता है पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन और बुलस पेम्फिगॉइड, ये तीनों का वीडियो हमने बनाया, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, ये भी कभी कभार कन्फ्यूजन कर सकता है आपका एरिथ्रोमा मल्टीफॉर्म के साथ। तो चलिए लास्ट में जानते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्रीटमेंट में फर्स्ट होता है जनरल मेजर्स, यानी अगर मुंह के अंदर ये सब जगह में छाला पड़ गया तो उसको पेन किलर जेल आता है लगाने के लिए, जिससे आपका खाने में तकलीफ ना हो खा सकते हैं, और थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक क्रीम आता है लगाने के लिए। बस वैसे ही बॉडी में अगर खुजली है, जलन है, तो लगाने के लिए कैलामिन लोशन या स्टीरॉइड लोशन दिया जाता है ताकि आपका सिम्टोमेटिक रिलीफ हो। इसके साथ साथ खुजली अगर होता है तो कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन जैसे कि लिवोसेक्टेजिन, सेक्टेजिन, फेक्सोप्रिनाइडिन, लोरेटिडिन, ये सब कुछ दिया जा सकता है। और अगर किसी का सीवियर हो गया है, खा नहीं पा रहा है, तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन भी किया जा सकता है। अगर किसी का आंख का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है तो उस केसेस में आई के डॉक्टर पास एक बार भेजना जरूरी है या दिखाना जरूरी है। किसी का अगर रिकरेंट हो रहा है यानी हर्पिस वायरस इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, इसलिए हर्पिस का टेस्ट करा के उसको सप्रेसिव थेरेपी दिया जाता है, यानी एसाइक्लोविर नहीं तो वैलासाइक्लोविर ऐसे एंटीवायरल दवाई बहुत लंबा 5-6 महीने तक मिनिमम देना पड़ता है। वैसे तो एरिथ्रोमा मल्टीफॉर्म में सेल्फ लिमिटिंग है, यानी 3-4 हफ्ते में ये अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर किसी का बहुत सीवियर है और ठीक नहीं हो रहा है उस केसेस में आपको इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन जैसे कि स्टीरॉयड दिया जा सकता है। स्टीरॉयड का कितना डोज में दिया जाएगा और कितना दिन तक दिया जाएगा आपका जो स्किन का डॉक्टर है वो डिसाइड करेंगे, सीवियरिटी देख के और आपका कितना उम्र है, वजन है, ये सब देख के वो डिसाइड करेंगे। अगर कोई बड़ा घाव हो गया है स्किन में, बहुत ज़्यादा इरोजन हो गया है, उस केसेस में ओरल एंटीबायोटिक भी दिया जा सकता है और लगाने के लिए एंटीबायोटिक भी दिया जा सकता है। स्टीरॉयड के अलावा और भी कुछ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन इसमें दिया गया है और देख के अच्छा रिजल्ट मिला है, जैसे कि आजाथ्रोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, माइक्रोफेनोलेट, मुफेटिल, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और डैप्सन, ये सारे दवाई बहुत सारे केसेस में देखे ट्रायल किया गया है और अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो ये सारे दवाई कौन सा देना है, कितना डोज में देना है, कब तक देना है, ये आपका जो डॉक्टर है वो डिसाइड करेंगे। तो ये था डिटेल्स में एरिथ्रोमा मल्टीफॉर्म के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसा टॉपिक अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई नया बीमारी के बारे में अगर जानना है तो इसमें कमेंट करिए, हम आपको नया वीडियो बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्कार।